हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। कुछ तो जेई मेंस में आई हुई क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भी जेई मेंस में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, हमें एफ एक्स इक्वल्स टू मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्स का रेंज निकालना। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, क्योंकि मोडस लग गया है तो डेफिनेटली वी कैन से दैट कि जो रेंज आएंगे, रेंज में सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। और ये बात हम पहले से अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स है तो इसकी जो रेंज आती है वो आती है आपकी माइनस रूट टू से लेके रूट टू तक, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा ऑलवेज लाइज इन द रेंज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब हमें यहाँ से ये तो यहाँ से हमें मिल गया कि यार इसका अपर बाउंड, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रूट टू तक तो जा सकती है, लेकिन अब ये भी ढूंढना पड़ेगा कि यार मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी। अगर आप इस फंक्शन के स्ट्रक्चर को देखें, ये जो एफ एक्स है, कैन वी से दैट इट इज़ अ पीरियडिक फंक्शन? यस, इसका पीरियड आएगा पाई बाय टू, बिकॉज एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स जो आपका आएगा वो एफ ऑफ एक्स आएगा, दैट यू कैन वेरीफाई। यानी कि पीरियड इस फंक्शन का पाई बाय टू है। ओके, तो एक काम करते हैं कि इस फंक्शन का हमें पीरियड तो पता पड़ ही गया, ठीक है, पाई बाय टू है। सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, हम ड्रॉ करेंगे साइन एक्स पहले और कोस एक्स, दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके बेसिस पे हम जज करेंगे कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं जीरो से लेके पाई बाय टू तक, तो जीरो से पाई बाय टू पे साइन एक्स का ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे ये वैल्यू है हमारी प्लस वन, और अगर हम कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो कोस एक्स का ग्राफ है वो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? पाई बाय फोर पे। ये ग्राफ है कोस एक्स का और ये ग्राफ है साइन एक्स का। ओके, सो दे आर इंटरसेक्टिंग एट पाई बाय फोर। अब एक काम करते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का ग्राफ हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम अच्छे से जानते हैं कि मोड साइन एक्स हमारा साइन एक्स ही होगा और मोड कोस एक्स हमारा कोस एक्स ही होगा। सो दैट इज़ व्हाई वी आर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। नाउ अगर हम दोनों का वैल्यू देखें, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यानी कि दोनों ग्राफ्स को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो जीरो पे वैल्यू आएगी वन, और अगर आप देखें पाई बाय टू पे भी वैल्यू आ रही है वन। इसके बीच का बिहेवियर हमें चेक करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स वी डिफरेंशिएटेड, हम चेक करेंगे कि जीरो से पाई बाय टू पे इस फंक्शन का नेचर कैसा है, ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। सो वी हैव द डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब अगर आप ग्राफ से देखें, ओपन इंटरवल जीरो टू पाई बाई फोर में कोस का ग्राफ साइन से ऊपर है, तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज। और एक और बात देखिए, जब हम एक्स को पाई बाई फोर डालेंगे तो एफ एट पाई बाई फोर जो आएगा वो रूट टू आएगा, तो हियर आई एम टेकिंग समवेयर से रूट टू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जीरो से पाई बाय फोर ये ग्राफ इंक्रीज करेगा, और डेफिनेटली पाई बाय फोर से लेके पाई बाय टू पे साइन एक्स का ग्राफ ऊपर है तो ये यहाँ पर डिक्रीज करेगा, तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। तो अब आप ग्राफ से देख सकते हो इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है वन, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है रूट टू, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज वन टू रूट टू। ये तो हमारा एक अप्रोच था। You can solve this question by another method also.
देखिए सेकंड मेथड क्या है, हमने मान लिया कि लेट y इज इक्वल्स टू मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्स। ओके, एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। अब क्योंकि मोड साइन एक्स यानी कि वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज सेम एज मोड एक्स स्क्वायर, सो वी कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस टू मोड साइन एक्स मोड कोस एक्स। सो वाई स्क्वायर आपके पास आ गया वन प्लस, वी कैन राइट दिस एज मॉडुलस ऑफ साइन टू एक्स। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन टू एक्स हमारा जो है वो लाइक करता है माइनस वन से वन में। ओके, लेकिन व्हेन वी अप्लाई मोड एंड व्हेन वी आर ट्रेवलिंग ऑन द नंबर लाइन, सो दिस इज जीरो, दिस इज माइनस वन एंड वन। जब माइनस वन से वन वेरी करेंगे तो जो मोड साइन टू एक्स है इट विल टेक द वैल्यू फ्रॉम वेयर टू वेयर, इट विल टेक द वैल्यू फ्रॉम जीरो टू वन। नाउ एडिंग वन, सो वी हैव वन प्लस मोड साइन टू एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू टू। सो यानी कि वाई स्क्वायर किसके बीच में आ गया, टू के। नाउ अब क्योंकि वाई जो है मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्स है तो डेफिनेटली वाई जो है ग्रेटर देन जीरो आएगा। इनफैक्ट ये जीरो भी नहीं आएगा क्योंकि साइन और कोस दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते। तो देयरफॉर वाई विल लाइफ फ्रॉम वेयर टू वेयर, इफ वी अप्लाई स्क्वायर रूट फंक्शन दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वन इज वन। तो देखिए रेंज यहाँ पर भी वन से रूट टू आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन को दो अप्रोच से सोल्व किया। सोल्व करने का पर्पज ये था कि खाली आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज क्वेश्चन को सोचने की बननी चाहिए। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट हाउ वी कैन सोल्व इट बाय यूजिंग ग्राफिकली, और अगर आप ग्राफिकली नहीं सोल्व अल्जेब्रिकली सोल्व करना है तो यू कैन यूज़ दिस अप्रोच। सो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग सच वीडियोज़। थैंक यू।